मैं खाने जा रही हूँ यहाँ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट किया है एंड आज मेरा मायके में पहला दिन है। तो यहां पे मम्मी पूजा कर रही थी, मैं भी नहा करके आ गई थी, तो मैंने यहां पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। मिस्टर वर्मा अंदर रूम में हैं और अभी यहां पे मम्मी पूजा कर रही हैं, उसके बाद यहां पे नाश्ता होगा हमारा। व्हील, ये एक व्हील है, बाकी के आपने तोड़ दिए। क्या कर रही हो? ड्राइंग। यहाँ पे डायरी की देखो, ऑफिस चल रही है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग पहुँच गए हैं फतेहपुर, अपने घर आ गए हैं। रात में आ गए थे, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था बट ज़्यादा नहीं रिकॉर्डिंग कर पाई क्योंकि बहुत हम लोग थक गए थे ट्रेन 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 के रास्ते से। थोड़ी एक घंटा ट्रेन हमारी लेट थी बट ठीक है। और अभी पीहू यहाँ बैठी है कलरिंग, ये देखिए। और मिस्टर वर्मा जी का यहाँ पे ऑफिस चालू हो गया है सुबह होते ही। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग यार, क्या सुबह से लगे हैं आप? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उनकी तो नो प्रॉब्लम हो ही रही है, पापा गए हैं दूध लेने के लिए, मम्मी पूजा कर रही थी, अभी ऊपर गई हैं जल चढ़ाने। सबसे पहले लड्डू इसको बोलो ना, बिल्कुल लड्डू। क्या कहने? अरे खाते वक्त मुझे नजर मत लगाया करो। इसमें क्या नजर लगना है? हमारे दोस्तों को अच्छा लगता है कि आपको सासू माँ कितना पैम्पर करती हैं। व्यूवर्स कहते हैं अब तो सासू माँ के घर आ गए या सासू माँ घर वहाँ आ गई मुंबई, तो मजे ही मजे हैं। और क्या? ये क्या खा रहे हैं आप? दोनों हाथ में, एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में पोस्ते का दूध है। पोस्ते का दूध, ये देखिए गाइस, ये होता है पोस्ते का दूध। पीछे हटो, घी मार के बहुत अच्छा लगा पोहा। आपको बंगाल में ही रहते हैं, टीशर्ट डलवा दे। मैं खाने जा रही हूँ यहाँ पे वाटरमेलन। और मम्मी यहाँ पे क्या कर रही हैं? खाने की तैयारी कर रहे हैं। खाने की तैयारी। आज खाने में क्या क्या बन रहा है? आज खाने में चने की दाल, कद्दू की सब्जी, करेले की सब्जी, चटनी, सलाद, रायता, चावल। अच्छा अच्छा, तो आप सलाद कटिंग कर रही हैं अभी। पीहू क्या कर रही है? पीहू क्या कर रही है? तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी कुछ शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं अपने मायके आने से पहले मैंने शॉपिंग करी थी। तो उसमें बहुत सारी ड्रेस थी जो मैंने पहनी है, तो आप लोग सोच रहे थे ये ड्रेस मैंने कहाँ से ली है। तो ये मैंने ड्रेस ली है अमेजोन से। अमेजोन पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्स चलती रहती हैं टाइम टाइम पे। तो अभी 14 से 17 तारीख तक एक सेल आ रही है, ब्लॉकबस्टर वैल्यू डेज आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा, इस सेल का फायदा उठाइए। और जो भी आपके फेवरेट प्रोडक्ट हैं वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 50-80% ऑफ मिल जाएगा अपने फेवरेट प्रोडक्ट पे। तो चलिए नंबर वन ड्रेस से स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट खरीदा था ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अनारकली सूट है, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जरी का वर्क है और ये पहनने पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोगों पर देख सकते हैं इसमें पैजामा भी है, मतलब ये पैंट स्टाइल का पैजामा है, प्रिंटेड है, एंड इसका जो दुपट्टा है वो रेड कलर का है। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये देखिए इसका जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरह का है, पर हाँ दुपट्टा बहुत लंबा नहीं है, 2 मीटर का ही दुपट्टा है, बट ठीक है, दुपट्टा साइड से ही मतलब लेना होता है। और रेड दुपट्टे तो बहुत सारे होते हैं आप लोग के पास, हम लोगों के पास अभी भी मैंने रेड दुपट्टा डाल रखा है। तो इस तरह से ये मेरा फर्स्ट ड्रेस हो गया, काफ़ी अच्छा है, गर्मियों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सेकंड ड्रेस की बात करूँ तो मैंने ये घर पर पहनने के लिए ये वाला ड्रेस लिया था, पिंक कलर का, पिंक एंड वाइट कलर का है, बहुत ही प्यारा सा, गर्मियों के लिए ही ड्रेस है क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं
तो गर्मियों के लिए आप अच्छे अच्छे कपड़े इस तरह से लाइट लाइट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आई थिंक अंडर 500 था ये ड्रेस, तो ये ड्रेस हो गया। एंड यहाँ पे मैं आपको थर्ड ड्रेस दिखा रही हूँ। थर्ड ड्रेस अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये आपको ब्लू मैरून कलर की फ्रॉक है, फ्रॉक ड्रेस है। गर्मियों में इस तरह के ड्रेसेस अच्छे होते हैं, हल्के फुल्के से, और पहनने में कैरी करने में भी आपको कंफर्टेबल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मंगवाया है अपने लिए मामा अर्थ का ऑयल ग्लो कंट्रोल कॉम्पैक्ट। बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट है एंड ऑयल कंट्रोल है, तो गर्मियों में जब पसीने वगैरह आते हैं तो आराम से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और मेरा शेड जो है वो बता, आइवरी ग्लो है, 01 इसका नंबर है। ओके, तो ये है वो प्रोडक्ट। ओह शिट, ये तो डैमेज आया है, ये मैंने देखा नहीं था, इसके लिए मुझे कंप्लेन करनी होगी। एक सेकेंड, मैं इसको अभी मैंने जस्ट ओपन किया है तो मैं इसको मैंने देखा ही नहीं था, तो इसके लिए मुझे कंप्लेन करना होगा। कोई बात नहीं, ये तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न नहीं होगा, इसका रिम्बर्समेंट आ जाता है, तो मैं इसके लिए कंप्लेन कर देती हूँ। एंड मैंने यहाँ पे ना गर्मियों के लिए ये बहुत ही सुंदर से पॉप, क्या है, पॉप माई ग्लैम पॉपेट्स के नेल आर्ट नेल कलर मंगाए थे, जिसमें से मैंने 2-3 लगाए हैं, ये रानी येलो एंड ऑरेंज, बाकी 2 और लगाने जा रही थी, बट फिर बाद में इसको मैं भी लगाऊंगी। छोटी छोटी नेल पेंट है ये, देखिए। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिट मी फाउंडेशन मंगाया था, जिसका शेड 220 फाउंडेशन है, और ये हर शेड में आपको हर कॉम्प्लेक्शन में इजीली लग जाता है, आपके ऊपर बहुत सारे शेड्स आते हैं। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ओले की नाइट क्रीम मंगाई थी, ये अच्छी है, फर्स्ट टाइम मंगाया है, अब इसको यूज़ करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस बाद में बताएंगे। हाँ, स्मेल बाकी फ्रेग्रेंस वगैरह तो अच्छी है, एब्जॉर्ब भी हो रही है और ग्रीसी नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम मंगाया है, बाकी कैसा है ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने अमेजोन से किया था। आई होप आपको ये छोटा सा शॉपिंग मेरा अच्छा लगा होगा, क्लोथ्स अच्छे लगे होंगे, तो आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। माई हॉल स्टोर की भी लिंक दूंगी, जहाँ से आप मेरे सारे फेवरेट प्रोडक्ट एक साथ देख सकते हैं, तो चेकआउट करना बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा, सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। व्यू क्या कर रही है? नानू को टेस्ट पढ़ा, दिखाओ जरा टेस्ट पेपर, दिखाओ नानू का क्या क्या पीहू ने पढ़ाया, दिखाओ तो, दिखा तो दो क्या क्या पढ़ाया है। आज के लंच में है यहाँ पे चने की दाल, रायता, कद्दू की सब्जी, करेला, चटनी, और ये है यहाँ पे सैलेड, और वर्मा जी की रोटी यहाँ पे कट गई, कट गई, टूट गई, मतलब दादू के पास, मम्मी के पास। तुम चलोगी? नहीं। क्यों? चलो प्यार से रुक, आ जाएंगे बस, अच्छा नहीं लग रहा डैडी जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा आपको डैडी जा रहे हैं, अच्छा मिस करूँ डैडी। पैकिंग हो गई आपकी? फुल पैक। ट्रेन का टाइम पहले देख लीजिए। हाँ भी देखेंगे क्या? बैग बंद करिए अपना, लैपटॉप बैग ही अंदर रख दीजिए। सॉरी। और पानी की बोतल ले जाएंगे ना? ये वाली ना। तो तैयारी हो गई? भोजन? राइस भी है बेटा। तो एक दो राइस आप खाएंगे? क्या बात है, चावल की रस मलाई आ गई है भाई, चावल की फिर कोई जरूरत नहीं ना, घर का है मम्मी पनीर है। हाँ बेटा, इतना सॉफ्ट है, पनीर एकदम अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज आप जा रहे हैं अपने मायके, मायके जाने की चमक देखें जरा, रुको दोस्तों देखते हैं मायके जाने की चमक। भाई ठीक है, गाय के दूध का, गाय के दूध का, हाँ घर का पनीर है।
जा रहे अपने मायके, तो अब कहे मायके जाने की क्या खुशी है, देख तो ले। ओके गाइज, तो अभी मिस्टर वर्मा जो है वो जा रहे हैं मेरठ मम्मी पापा के से मिलने के लिए, और हम लोग नीचे आए हैं उनको छोड़ने के लिए। पीहू को बुला रहे हैं पर वो जा नहीं रही है, वो सोच रही है कि वो मुझे डैडी छोड़ के लेके चले जाएंगे। अरे सुनो तो स्वीट हार्ट, बाय तो कर दो। अच्छा नहीं जाना, आ तो जाओ। ना जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, जाओ। जाना, बाय तो कर दो डैडी को। क्या कह रही हो? बाय तो चलो, डैडी बाय। चलो बाय बाय, ये बाय बाय। तो उसके बाद फिर हम लोग ने डिनर वगैरह किया, फिर रात में हम लोग मूवी देखना स्टार्ट कर दिए थे। ये ऊंचाई लगाया था बट थोड़ी देर ही देखा था, हाफ एन आवर, उसके बाद फिर हमने बंद कर दिया था। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं, मिलते हैं आपको कल अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।